सवाल, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडक क्यों करता है? अर्थात दोस्तों, आप सभी कूलर कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे, या हो सकता है कि आपके घर भी हो। तो दोस्तों, कूलर का काम होता है कि गर्मियों में वह हमें ठंडी ठंडी हवा देती है, जिससे हमें गर्मी ना लगे और गर्मी से राहत पहुंचे। तो दोस्तों, कभी ना कभी आपने खुले हुए कूलर को देखा होगा। कूलर के बीच में एक पंखा होता है, उसके नीचे आधार पर पानी रखने के लिए एक डब्बा होता है और तीनों तरफ से प्लास्टिक की जालियां होती है। इन जालियों पर एक छोटी सी फव्वारे के द्वारा पानी छिटाता रहता है। तो दोस्तों, जब कूलर का पंखा चलता है तो वह जालियों के तरफ से बाहरी हवा को अंदर खींचता है, क्योंकि जाली पानी से भीगी हुई रहती है, इसलिए उसके पानी वाष्प में बदल जाते हैं, जिस कारण कूलर का हवा ठंडा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, किताब के द्वारा दिए गए जवाब को भी देख लेते हैं। जवाब, कूलर के आधार में एक पानी भरने का बर्तन होता है। घन आकार बर्तन के एक फलक पर पंखा लगाया जाता है, वह अन्य तीन फलकों पर घास की चटाई, उन पर एक युक्ति का प्रयोग कर पानी गिराया जाता है। पंखा बाहरी हवा को अंदर खींचता है और पानी का वाष्पन होता है, जिसके लिए वह ऊष्मा अंदर आने वाली हवा से ग्रहण करता है और हवा ठंडी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। पूरी वीडियो देखने और समझने के लिए धन्यवाद।